वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं माई ग्लैंड केस फाउंडेशन पैलेट को, एंड साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही क्विक एंड इजी वेडिंग गेस मेकअप लुक। एंड ये वाली साड़ी जो है वो मैंने ली है मीशो से, एंड ये मुझे मिली है 300 में, लाइक 300 समथिंग, लाइक 10-15 रुपये ऊपर नीचे। एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है, इसका ब्लाउज पीस मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था तो मैंने इसको अपने टॉप के साथ पेयर किया, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो आप भी इसको आराम से पेयर कर सकते हो। एंड इस साड़ी का डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी जिसमें मैंने इस साड़ी का कोड भी शेयर किया है, तो आप जाकर देखने की चेक कर सकते हो। सो इधर उधर की बहुत सारी बातें हो गई, एंड चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खोलते इस पैलेट को, मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने मेरा CTM रूटीन जो वो फॉलो कर लिया है, सो जस्ट मेकअप बचा हुआ है, मेकअप हम इस पैलेट को यूज़ करके आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस पैलेट के पैकेजिंग का तो कोई जवाब नहीं, इतना तो कहना पड़ेगा, एंड बाकी क्वालिटी हम आगे जज करेंगे क्वालिटी कैसे भी। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारा कलर करेक्शन। सो उसके लिए यहाँ पे आपको एक येलो कलर का शेड मिल जाता है, तो लेट्स डू दिस। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे पिंपल हो रखे हैं, यहाँ पे एंड यहाँ पे स्पॉट है, तो मैं फटाफट से सबसे पहले कलर करेक्शन करती हूँ। देख सकते हो ये स्पॉट्स को बहुत ही अच्छे से कवर कर रहा है, एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से। मैं अभी मेरे अंडर आइज को नो कॉल फील करती हूँ उसको यूज करके। मैंने मेरे इस साइड जो है वो कलर करेक्शन कर लिया है, मैंने आईलिड पे भी अप्लाई किया एंड आइज के नीचे भी अप्लाई किया हुआ है, तो आप देख सकते हो दोनों आँखों में डिफरेंस बिल्कुल ही क्लियर है, कितना ज़्यादा ब्राइट एंड पॉपअप लग रहा है, कोई भी सर्कल्स नहीं है एंड बिल्कुल इवन आउट हो गया है। सो मैं सेम कर रही हूँ दूसरे साइड भी। सो कलर करेक्शन मैंने कर लिया है, एंड अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ फाउंडेशन पूरे फेस पे। ये कितने अच्छे से मैच हो रहा है आप देख सकते हो। सो अभी मैं इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी, आप देख सकते हो, मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, बहुत ही हार्डली आप देख सकते हो आपको दिख रहा होगा फाउंडेशन मेरे फेस पे, ये बहुत ही अच्छा शेड मिला है मेरे स्किन से मैच कर रहा हूँ, तो भी हम फटाफट से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। सो कुछ इस तरीके से मैंने फाउंडेशन भी अप्लाई कर लिया है, एंड यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रोल शेड भी मिलता है, तो मैं अगेन कॉन्ट्रोलिंग जो मेरे फिंगर से करने वाली हूँ, एंड मैंने वो दो फिंगर वाली ट्रिक शेयर करी थी, बहुत ही ज़्यादा ईजी थी, तो मैं वही वाली ट्रिक यूज़ करने वाली हूँ फिलहाल अपने नोज को कॉन्ट्रोल करने के लिए। एंड उसके लिए आपको अपने दोनों फिंगर्स के बीच में कॉन्ट्रोल प्रोडक्ट लेना होता है, एंड कुछ इस तरीके से करना होता है, तरह से ब्लेंडिंग। सो आप देख सकते हो कितनी ईजिली मेरा नोज कॉन्ट्रोल हो चुका है, एंड सेम मैं ज़रा से कॉन्ट्रोलिंग इस साइड भी करने वाली हूँ मेरे चीक्स को। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी कॉन्ट्रोलिंग जो है वो डन है, एंड मैंने बहुत ही लाइट कॉन्ट्रोल रखा है क्योंकि मुझे वो शार्प लुक बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन नेचुरल सा ठीक है, हल्का फुल्का कॉन्ट्रोल किया एंड परफेक्ट। तो अभी हम करते हैं इन सबको सेट पाउडर की हेल्प से, एंड अभी बारी आती है आईज की, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईब्रोज से। आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मिस्कलर का, ये आईब्रो पेंसिल बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा अच्छा है। सो दैट्स इट, आईब्रोज डन, एंड अभी हम शैडो अप्लाई करेंगे। तो शैडो मैं अप्लाई करूंगी बहुत ही ज्यादा सिंपल सा बेसिक ब्राउन अपने क्रीज लाइन पे, एंड ज्यादा सा गोल्डन सेंटर पे। सो उसके लिए मैं ये वाला पैलेट यूज कर रही हूँ न्यूड का। सो मैं एक बड़े से सफी ब्रश की हेल्प से, ये कलर नेम है रॉ, तो ये वाला शेड कुछ ब्राउनिश आप देख सकते हो, इसे अप्लाई करने वाली हूँ। सो आप देख सकते हो मैंने मेरे दोनों आईज के इधर क्रीज एरिया पे अप्लाई किया है ये ब्राउन कलर, एंड मैंने वही कलर जरा सा लेके नीचे के आईलिड पे भी स्मोक आउट किया है, सो कुछ इस तरीके से लग रहा है ये अभी तक। एंड इसके बाद मैं मेरे आईज के सेंटर पे ये गोल्डन कलर अप्लाई करने वाली हूँ, फिंगर की हेल्प से जस्ट प्लेस कर दूंगी, एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्विक है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आप फिलहाल मेरे आईज देख सकते हो, एंड मैं अप्लाई करने वाली हूँ गोल्डन कलर। सब देख सकते हो कितना ज़्यादा क्विक है ये, तो मैं बस इतना ही करने वाली हूँ आईज के लिए। सो कुछ इस तरीके से मैंने मेरे दोनों आईज पे शैडो अप्लाई कर लिया है, एंड आज फॉर अ चेंज मैं अप्लाई करने वाली हूँ आईलाइनर, बहुत ही ज़्यादा लाइट, जस्ट मैं दो छोटे से विंग्स क्रिएट करने वाली हूँ एंड्स पे लाइक कॉर्नर्स पे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये इंटेंस ब्लैक आईलाइनर, बहुत ही अच्छा है बिगनर्स के लिए, लाइक इसका एप्लीकेटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छी ग्रिप मिलती है आपको, तो विंग्स क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो मैं जनरली आईलाइनर स्किप करती हूँ, बट आज मेरा मन हुआ कि आईलाइनर लगाती हूँ,
एंड देन मैं मेरे लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई करने वाली हूँ ये न्यूड कलर की आई पेंसिल, जिससे आंखें जो बहुत ही ज्यादा ना ओपन अप लगे, बड़ी बड़ी लगे, क्योंकि मेरी आंखें जो बहुत ज्यादा छोटी है। सो ये वाला आई पेंसिल यूज करने वाले हैं। आई पेंसिल अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो आंखें कितनी ज्यादा ओपन अप लग रही हैं। एंड अभी हम करेंगे लैशेस को कर्ल एंड अप्लाई करेंगे हमारा मस्कारा। सो मस्कारा अप्लाई करने के बाद आंखों में जो डिफरेंस आया है आप देख सकते हो। सो कुछ इस तरीके से हमारा आई मेकअप जो है वो हुआ कंप्लीट, हाँ कुछ इस तरीके से। एंड अभी बारी आती है फेस की, तो अप्लाई करेंगे हम हमारा ब्लश हाईलाइटर। सो ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ मैरी क्लेयर का ये वाला ब्लश, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, तो जब भी हम अप्लाई करें तो सोच समझ के करें, लाइक डायरेक्ट फेस पे ना करो। सबसे पहले एक बारी हाथों से टैप करो एंड हल्का सा ही प्रोडक्ट आपको फेस पे अप्लाई करना है। एंड अभी बारी आती है हाईलाइटिंग की, मैं सिवाना का ये वाला पैलेट यूज करने वाली हूँ हाईलाइटिंग के लिए। सो कुछ इस तरीके से हाईलाइटिंग भी डन। एंड अभी बारी आती है लिप्स की, मैं सबसे पहले अप्लाई करूंगी एनवाई बेका ये न्यू शेड, हम इसको लेयर करेंगे डेफिनेटली। सो ये कलर कुछ ऐसा लग रहा है। एंड अभी मैं इस पर अप्लाई करूंगी प्रियो की ये पिंक लिपस्टिक, एंड ये दोनों मिलकर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। सो मैं हल्का सा ये लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। सो आप चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, बट क्योंकि विंटर्स है तो मैं इस पर अप्लाई करूंगी ज्यादा सा ग्लॉस, पिंक कलर की ग्लॉस, उसके बाद हमारे ये लिपस्टिक और खाली हो जाएगा। सो मैं पिंक ग्लॉस अप्लाई करूंगी। सो विंटर्स में कहीं ना कहीं ग्लॉस बहुत ही ज्यादा सही लगता है। एंड यार दैट्स इट, ये हमारा फाइनल मेकअप लुक। एंड अभी इयररिंग्स बाकी है, तो इयररिंग्स के लिए मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज हूँ। सो देखते हैं कि क्या पहनते हैं। मेरे पास दो इयररिंग्स हैं, मैंने दो इयररिंग्स निकाली हैं, एक तो है ये वाली एंड है ये वाली। सो देखते हैं कौन सी ज्यादा अच्छी लगती है। सो ये है हमारा फाइनल लुक, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड अभी हमारा मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो बात करते हैं इस पैलेट के बारे में। तो ये पैलेट अमेजिंग वर्क कर रहा है, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर बहुत सारी चीजें कैरी नहीं कर सकते तो आप जस्ट इस पैलेट को यू नो कैरी कर सकते हो, आपका बेस जो है वो सॉर्टेड है। जस्ट आपको ब्लश अप्लाई करना होगा तो लिपस्टिक से भी कर सकते हैं, एंड बाकी फाउंडेशन एंड कंसीलर एंड कंटूर का प्रॉब्लम जो है ये पैलेट बहुत अच्छे से सॉल्व कर दे रहा है। एंड बाकी ये शेड अगर आपके स्किन से अच्छे से मैच कर रहा है देन ये बहुत अमेजिंग वर्क करने वाला है। एंड आप मेकअप लुक देख सकते हो, मैंने जस्ट इस पैलेट को यूज़ किया है बेस के लिए ओबियसली, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो ये है वो कंप्लीट मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चैनल पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आगे और कैसी वीडियोस देखना चाहते हो ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।